तो चलिए बात करते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। जी हाँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज से आगाज हो गया है और आज सुबह ही सुबह की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया है। 5 दिन तक ये समारोह चलने वाला है और सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि इसमें देश विदेश के कई साहित्यकार और लेखक इसमें हिस्सा लेते हैं। पिछले 9 सालों से ये आयोजन चलता रहा है, तो 5 दिनों तक यहां पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। बड़े बड़े लेखक आने वाले हैं, कई लेखकों की जो पुस्तकों का लोकार्पण भी होने वाला है। तो एक बात इस समारोह के लिए अछूती नहीं रहती है, वो विवाद यहां पर हमेशा से कहीं ना कहीं बना रहता है। तो चलिए डीके पैलेस से हमारे संवाददाता सुधांशु जुड़ चुके हैं। सुधांशु, आज लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो ही गया है और फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही है, कौन कौन से बड़े जो लेखक हैं वो साहित्यकार आज पहले सेशन में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरह से लिटरेचर फेस्टिवल का जो आगाज का अंदाजा किया जाता है कि जिस तरह का आगाज होना चाहिए, कलरफुल अंदाज में, एक रंगीन अंदाज में, जब सीएम सुबह सबसे पहले यहाँ पर जो लोक कलाकार थे उन्होंने प्रस्तुति दी, उसके बाद ही सीएम ने दीप प्रज्वलित किया यहाँ पर सीएम, और इस जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसका आगाज हुआ। आगाज जैसा अंदाजा लग रहा था कि साहित्य का महाकुंभ में शब्दों का संसार है यहाँ पर, वो उसी तरह का कुछ एक आगाज था। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे उस समय जब ये आगाज हुआ। इस वक्त भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह का एक माहौल है कि एक सेशन चल रहा है, फ्रंट लॉन में सेशन चल रहा है, क्रॉम टिबलिन जो एक साहित्यकार है उनका सेशन चल रहा है, और देखिए लोग जिस तरह से मौजूद है। ये अंदाजा लगाया ही जा रहा था कि पहला दिन है लिटरेचर फेस्टिवल का और पहले दिन से ही अपनी जो एक कह सकते हैं कि एक इसकी जो खूबसूरती है इस फेस्टिवल की, एक जिसके कारण जाना जाता है कि साहित्य से जुड़े लोग, आम जनता, बच्चे, सभी लोग देखे जा रहे हैं और सभी में एक जिज्ञासा है इस फेस्टिवल को लेके कि किस तरह का एक फेस्टिवल है, कि कैसा, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे यंगस्टर्स हों, या लोग जो बुजुर्ग लोग हों, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। सुबह से ही एक चहल पहल बन गई थी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त जो चार बाग जो है जो सेशन के लिए अलग रखा गया जगह, वहां रस्किन बॉन्ड का सेशन हुआ, जिसमें उन्होंने रस्किन बॉन्ड ने लगभग जो अपनी यात्रा है उसके बारे में बताया, जो अपनी जो उनकी राइटिंग की यात्रा रही है, जिस तरह से वो उन्होंने जो स्टोरीज लिखी, उनके कैरेक्टर्स कैसे वो कैरेक्टर बनाते हैं, क्या किस तरह से अपनी स्टोरीज को बनाते हैं, क्या उनकी स्टोरीज से आखिर किस तरह जुड़ाव महसूस करते हैं, ये सब बातों के बारे में चर्चा करी। साथ ही मुगल टेंट में जयराम रमेश ने सौर ऊर्जा और उससे जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करी। बिल्कुल सुधांशु, अभी जो चर्चाएं चल रही है और साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जो वहां पर बैठे लोग हैं उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है और कौन कौन सी बड़ी शख्सियत के आज सेशन होने वाले हैं, क्योंकि दिन भर ये सेशन चलने वाला है, तो आज सेशन की जो खास बात वो क्या रहने वाली है? जिस तरह से सेशन जो हो रहे हैं अभी जो आने वाले सेशन से उनमें आपको मैं बताना चाहूंगा। आज पहले दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शाम के वक्त करण जौहर हैं मौजूद रहेंगे एक सेशन में, करण जौहर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा करीब 2:30 बजे एक सेशन होगा बंत सिंह, जो कि समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जो कि दलितों पर अत्याचार करते हैं और अपनी उस लड़ाई में उनको अपना एक हाथ और एक पैर भी गंवाना पड़ा था, उनका एक सेशन एक महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा करण जौहर का एक सेशन होगा, कुछ बुक लॉन्चेस भी आज पहले दिन में किए जाएंगे। इस तरह से लगभग कह सकते हैं कि पूरा दिन अलग अलग कुछ सेशंस हैं, कुछ बुक लॉन्चेस हैं, तो काफी गहमा गहमी सुबह से ही देखी जा रही है। लगता है कि यही गहमा गहमी और यही क्यूरियोसिटी लोगों में इसके अंतिम दिन तक होता है, यहाँ पे तब तक बनी रहे। और शाम को अगर बात करें तो शाम को वही जो कल म्यूजिक प्रोग्राम्स हैं वो